तो हेलो गाइस, आज मेरे पास है ये मथानी का स्टेटर, इसको मैं साफ़ कर लिया हूँ और इसमें पेपर डाल रहा हूँ और फिर मैं इसकी रिबाइंडिंग करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस स्टेटर में सिल्वर की बाइंडिंग की हुई थी और फिर से मैं इसमें सिल्वर की ही बाइंडिंग करने वाला हूँ। तो कौन सी नंबर की तार का उपयोग करने वाला हूँ, कितने टर्न डालने वाला हूँ, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और स्टेटर में पेपर डल चुका है, अब इसकी कॉइल की लंबाई को पता लगाना कि कितनी लंबी इसमें कॉइल लगने वाली है। इसके लिए मैं एक नंबर स्लिप ले लिया हूँ और ठीक उसी तरह जिस प्रकार इसमें बाइंडिंग करना है उसी प्रकार स्लिप को डाल लेना है। एक से चार में दो स्लॉट बीच में छोड़ देना है और फिर एक से छः में दो टर्न डालना है। पहले एक से चार में एक टर्न और एक से छः में दो टर्न डालना है और फिर आपको इसमें चेक करना है अपने हिसाब से कि कितनी लंबी कॉइल आनी चाहिए। तो मैं अपने हिसाब से इसमें इसकी नाप ले लेता हूँ। इस स्लिप को मैं यहाँ से काट लूँगा। इस प्रकार से आप किसी भी स्टेटर की कॉइल का नाप ले सकते हैं। तो चलिए अब इसकी नाप को मैं फरमे में सेट कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं एकदम फिक्स आई है नाप, ये फरमा एकदम फिट लगा हुआ है। अब मैं इसमें कॉइल बना सकता हूँ। तो कॉइल बनाने के लिए मैं 33 नंबर एल्यूमिनियम की तार का उपयोग करने वाला हूँ। दोस्तों, मथानी में चार चार सेट की दो कॉइल पड़ती हैं, यानी सिंपल भाषा में बोलते तो चार छल्ली की एक कॉइल और चार छल्ली की एक कॉइल, यानी टोटल दो कॉइल, यानी चार 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 स्टार्टिंग में कॉइल पड़ेंगी और चार रनिंग में। दोस्तों, टर्न की बात करें तो प्रत्येक कॉइल में इसमें 190 टर्न देना है। दोस्तों, स्टार्टिंग की एक सेट कॉइल बन चुकी है, अभी एक सेट कॉइल और बनाना है जो कि रनिंग के लिए होगी। और सेम इसी नाप में इसी साइज में कॉइल को छोटी बड़ी नहीं करना है, ये सेम साइज में ही बनाना है पूरी कॉइल। और जो टर्न रहेंगे वो भी सेम ही रहेंगे, टर्न को कम या ज़्यादा नहीं करना है, टर्न सेम रहेंगे, सेम टर्न की ही सारी कॉइल रहेंगी। और ये मेरी आखिरी कॉइल है जो कि बन के कम्प्लीट हो चुकी है। अब इसकी करते हैं वाइंडिंग। कॉइल के ऊपर से डालने के लिए पहले से ही मैंने पेपर काट लिया है। अब करते हैं कॉइल की सेटिंग। तो मैंने इसका टेप निकाल दिया है और ये पहले से चौथे में मैंने इसको डाल दिया है, ऊपर से पेपर भी डाल दिया है। और इसके बाद एक से छः में फिर से डालना है, इसमें पड़ेंगी दो बार, उसी को घुमा के डालना है। और ये पहली कॉइल डल के कम्प्लीट हो चुकी है। चलिए अब मैं दूसरी कॉइल को फिर से डालता हूँ इसी में। दोस्तों, कॉइल डालते समय हमेशा लूप का एक ध्यान रखें कि जो पहली कॉइल का दूसरा लूप यानी दूसरा सिरा जो निकलेगा वो दूसरी कॉइल के चौथे स्लॉट में जाएगा। अगर पहले स्लॉट में चला गया तो कॉइल एक ही प्रकार से बाइंडिंग हो जाएगी जिससे कि मोटर नहीं चलेगी। तो हमेशा ये ध्यान रखें। और कॉइल को डालते समय ज़्यादा कॉइल को घुमाना नहीं है, यानी कॉइल ऐंठनी नहीं चाहिए, नहीं तो स्लॉट में डालते समय दिक्कत हो सकती है। तो ये मैंने चारों कॉइल डाल दिया है, फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आ चुकी है, ठीक ठाक है। चलिए अब रनिंग की कॉइल डालता हूँ। दोस्तों, रनिंग की वायर डालते समय ध्यान रखना है जो कि हमने स्टार्टिंग में कॉइल डाली थी जिसमें सिंगल सिंगल टर्न डाला हुआ था, उन स्लॉटों में इसके सिंगल सिंगल टर्न डालेंगे जिससे कि वो डबल टर्न हो जाएंगे। और इसके बाद जो कि हमारा खाली सिरा स्लॉट है उसमें डालेंगे दो टर्न जिससे कि सारी कॉइल एक बराबर होती जाएंगी। और सेम उसी तरह सिरे का भी ध्यान रखना है कि जो पहली कॉइल का दूसरा सिरा जो निकलेगा वो दूसरी कॉइल के दूसरे यानी चौथे स्लॉट में जानी चाहिए दूसरी तरफ, यानी एक सीधी और एक उल्टी कॉइल रहनी चाहिए। और साथ में फिनिशिंग भी देते जाना है। तो ये देख सकते हैं मेरी सारी कॉइल इसमें डल के कम्प्लीट हो चुकी है, काफ़ी अच्छा देखने में भी पूरा स्टेटर लग रहा है। तो अब इसके बाद हम इसमें एक लेदर पेपर का उपयोग करेंगे जो कि साल्टिंग पेपर का काम करेगा। देख सकते हैं मैंने सारी कॉइल जो कि अंदर की हैं तो उनको मैं अंदर की ओर करके और ये साल्टिंग पेपर डाल दिया हूँ। और ये जो एक कट लगा हुआ था वहाँ पे मैं एक ब्लेड की मदद से इसको छील लेता हूँ और इसको जोड़ देता हूँ और एक नंबर स्लिप इसमें डाल के इसको कॉइल के बीच में दबा देना है क्योंकि यहाँ पे जॉइंट हो गया था, कट गई थी एक वायर। और इसके बाद इसकी अब करना है सिलाई। सिलाई करते समय हमेशा ध्यान रखें कि पहले सिलाई कनेक्शन की तरफ से नहीं करना है। मैं इसको अच्छे से पहले सिल लेता हूँ। सिलाई करते समय कॉइल को अच्छे से पहले बिठा लेना है फिर ही सिलाई करना है। यदि कोई भी तार ज़्यादा खींची हुई है, ज़्यादा टाइट है,
तो सिलाई करते समय जैसे ही धागा उसमें फंसेगा तो वो उसको खींच के धागा तोड़ देता है। तो उसके लिए आपको पहले कॉइल को अच्छे से सेट कर लेना है, फिनिशिंग कर देना है, उसके बाद ही आपको इसमें सिलाई करना है, नहीं तो ध्यान में रख के फिर उसको सिलाई करें ताकि तार हमारी टूटनी नहीं चाहिए इसकी, नहीं तो कॉइल पूरी बंद खोलना पड़ सकता है। एक तरफ सिलाई हो चुकी है, अब दूसरी तरफ मैं एक कनेक्शन निकाल लेता हूँ और फिर इस तरफ भी साल्टिंग पेपर डाल के और इसकी सिलाई कर देना है कनेक्शन अच्छे से दबा के। और कनेक्शन करते समय हमेशा कनेक्शन को टाइट रखें, यदि ढीला हो जाता है तो स्पार्किंग होती है जिसकी वजह से कनेक्शन से साल्ट होने का दिक्कत रहता है, स्पार्किंग होने पर मोटर जलने की भी संभावना रहती है। तो कॉइल को अच्छे से हमेशा टाइट रखें। तो जो रेड कलर की तार है उसको मैंने स्टार्टिंग में डाला है और जो ब्लैक कलर की है उसको रनिंग में, देख सकते हैं बाहर जो पहली डली हुई थी उसमें मैंने लाल कलर की तार लगाया है और जो अंदर अभी रनिंग में डाला हूँ उसको काली तार से कनेक्शन किया हूँ। और इसमें अब तीन नंबर स्लिप चढ़ा के और फिर इसमें करना है एक साल्टिंग पेपर नीचे रख लेना है ताकि जब हमारी कॉइल हीट यदि होती है तो ये कनेक्शन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दोस्तों साल्टिंग पेपर डालना बहुत ज़रूरी होता है, साल्टिंग पेपर डालते समय हमेशा ध्यान रखें कि कहीं से कोई वायर स्टार्टिंग की रनिंग की एक साथ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है जब मोटर चलती है हीट होने की वजह से दोनों वायर आपस में टच हो जाती हैं जिसकी वजह से मोटर साल्ट हो जाती है और कभी कभी मोटर को पता भी नहीं चलता, मोटर कभी कभी उल्टा घूमने लगती है, कभी कभी सीधा भी घूमने लगती है, तो वो इसी वजह से घूमने लगती है। तो हमेशा इसको ध्यान रखें और अच्छे से हमेशा साल्टिंग पेपर लगा के और कनेक्शन के नीचे भी हमेशा साल्टिंग पेपर रख के और फिर सिलाई करें जिससे कि कनेक्शन में कभी भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है इसकी वजह से। तो ये सीरीज बोर्ड से मैं चेक कर रहा हूँ तो ये मोटर हमारी सही से कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों इसको थोड़ा सा ठोंक लेना है प्लास की मदद से ताकि ये कॉइल जब हम इसके अंदर रोटर डालें तो फंसना नहीं चाहिए, नहीं तो कॉइल छिल जाएगी, टूट भी सकती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।